अजलावा मजबूरी नू आन जान तपसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पसूरी को मॉडर्न और ओल्ड स्कूल ट्यून्स के बीच बैलेंस बनाने के लिए पसंद किया गया। यह वीडियो देखते ही परफॉर्मर्स के साथ हम भी कनेक्ट करने लगते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही साड़ी पहने बिंदी लगाए ये उम्र दराज क्लासिकल डांसर दिखती है। यह पाकिस्तान की शीमा करमानी है। अपने परफेक्ट भरतनाट्यम मूव्स के अलावा शीमा फेमिनिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए भी पहचानी जाती हैं। I mean, whether it was dance or it's theater, I've always seen it as an expression of what I desire around me. It's about having a beautiful surrounding. It's about creating an environment where there's beauty and truth and equality and justice. Shima, Women's Day पर होने वाली औरत मार्च का भी जाना माना चेहरा है। हम लाठियां नहीं उठा रहे, हम बंदूकें नहीं चला रहे, हम पथराव नहीं कर रहे, हम तो खड़े हो रहे अपने हक का इजहार करने के लिए। 1980 के दशक में जब जनरल जिया उल हक सत्ता में आए तो उन्होंने साड़ी और डांस को गैर इस्लामिक मान उसे बैन कर दिया। शीमा साड़ी पहन अपने डांस के जरिए महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ और उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने लगी। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? क्या इसका मतलब है कि मर्द और औरत के दरमियान कोई मुकाबला है? जी नहीं, इक्वालिटी का मतलब ही बराबरी है।